हाय एवरीवन आई होप यू फाइन हमने लास्ट टाइम आपको कंपनी का एक ओवरव्यू दिया था कि कंपनी होता क्या है और कंपनी का कंपैरिजन ईस्ट इंडिया कंपनी से किया था ईस्ट कि इंडिया कंपनी एक वैसी ही कंपनी थी जो आज के डेट की मॉडर्न कंपनी है उसका फॉर्मेशन भी वैसे हुआ था और वाइंड अप भी वैसे ही हुआ वाइंड अप बोले तो क्लोज भी वैसे हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी विशाल थी कि इतने बड़े भूभाग पे रूल करके चला गया तो आप इससे कंपनी की विशालता के बारे में पता लगा सकते हैं कंपनी कि कितना विशाल हो सकता है हमने ये कहा कि एक रिलायंस आज के डेट की इंडिया की एक बड़ी कंपनी है अगर रिलायंस जैसी कंपनी को इंडिया को गवर्न करने दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि हमारा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना उससे कहीं बेटर इंडिया को गवर्न करेगा जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है जो पुलिस सिस्टम है और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं तो वो बहुत सक्सेसफुली फंक्शन करेंगे आई बिलीव तो आज हम कंपनी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ओके okay, तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको पता चलेगा कि कंपनी होता क्या है अगर आप क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट किया है तो हमारा सेशन ले सकते हैं बेसिकली हमारा जो सेशन है वो क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है अगर आपको बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल यू कैन फॉलो अस। ओके तो हम आपको डे बाई डे बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड अकाउंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक से रिलेटेड आपको जो भी इम्पोर्टेंट है या सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज हम आपको डिलीवर करेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो अस इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ ओके okay, अब हम देखते हैं कंपनी के फीचर्स फीचर्स जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन है सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी का फॉर्मेशन कितना कॉम्प्लेक्स होता है लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कंपनी में परपीचुअल सक्सेशन कॉमन सेल शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स देश आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं कंपनी में लाइक जो कमांड एंड कंट्रोल होता है एक हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है कंट्रोल या कह सकते हैं जो कंपनी का चेयरमैन होता है उसके पास कमांड एंड कंट्रोल होता है ऑनर का क्या रोल होता है ये हम देखेंगे बट उससे पहले हम कंपनी को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि हाउ यू विल डिफाइन अब तक आपने कंपनी को जाना कि कंपनी क्या होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसमें शेयर होल्डर आर द ऑनर ऑफ द कंपनी जो शेयर होल्डर ऑनर होते हैं और मैनेजमेंट को इलेक्ट करता है मैनेजमेंट बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर क्या करता है कंपनी को चलाता है और अदर को अपॉइंट <coughs> uh, करता है और जो शेयर होल्डर इनडायरेक्टली इंटरफेयर करता है कंपनी के डे टू डे अफेयर में डायरेक्टली नहीं करता है इनडायरेक्टली बोले तो लाइक like, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है एनुअल जनरल मीटिंग्स में थ्रू द वोटिंग राइट्स ठीक है इस तरह से हमने कंपनी में शेयर कैपिटल देखा था कि शेयर कैपिटल क्या होता है शेयर्स क्या होता है सब्सक्रिप्शन कंपनी में कैसे होता है शेयर्स का ये सब सारी चीजें हैं तो उसके लिए डिटेल में जानने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो हम आगे लेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी कंपनी फॉर्म कैसे करती है और दूसरा वाइंड अप क्लोज कैसे होता है ओके okay, तो वाइंड अप तो आपके सिलेबस में है नहीं एटलीस्ट फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की कंपनी फॉर्म कैसे करती है तो अगर इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास इलेवंथ यू नीड टू टेक अप दिस टॉपिक लाइक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी ओके बट अगर आप क्लास इलेवंथ के साथ साथ सॉरी अगर आप क्लास इलेवेंथ में नहीं है क्लास ट्वेल्थ में है बट यू मस्ट नो अबाउट द कंपनी एक बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट को कंपनी का ए टू जेड पता होना चाहिए ए टू जेड पता होने का मतलब कि कंपनी कैसे वर्क करती है कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है कंपनी फॉर्म कैसे करती है जैसे फॉर्मेशन की बात आई ना तो फॉर्मेशंस में कंपनी का प्रमोटर आ जाता है फिर प्रमोशन स्टेज प्रमोटर क्या होता है प्रमोटर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाता है कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पता होना चाहिए फिर जब सब्सक्रिप्शन स्टेज में जाते हैं फंड रेज करने के स्टेज में तो फंड रेज करने में प्रोस्पेक्टस इशू होता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है शेयर मार्केट में कैसे जाते हैं फिर सेबी का क्या रोल होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओके ये इंपॉर्टेंट बॉडी है जो फाइनेंशियल या कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है तो यू मस्ट नो इफ यू आर स्टडी कॉमर्स अदरवाइज यू विल जस्ट पास द एग्जामिनेशन यू विल होल्ड द डिग्री यू हैव एनी नॉलेज ओके दैट इज माई

जैसे दे, आप देखेंगे जैसे बहुत सारे छोटे मोटे जो शॉप होते हैं बड़ा बिजनेस होता है तो रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होता है तो एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं होता तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करता है पार्टनरशिप होता है वेन टू और मोर पर्सन हैंड टुगेदर टू डू अ बिजनेस टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज ज पार्टनरशिप बिजनेस तो पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू है उसी तरह से अगर बहुत बड़ा कुछ गोल हो, इन्वेस्ट करते हैं या एक साथ आते हैं एक कंपनी फॉर्म करते हैं बड़ा गोल अचीव करने के लिए ओके okay, बहुत सारे लोगों से मतलब है कि शेयर होल्डर ऑनर्स और एक कंपनी में जो शेयर होल्डर होता है ऑनर्स होता है मिलियंस एंड मिलियन भी हो सकता है पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है कि मतलब दस बीस पचास लोग ही होंगे ठीक है तो आप एक कंपनी के शेयर होल्डर्स का अगर देखेंगे जैसे रिलायंस है अगर आप वेन यू स्टडी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तो पब्लिक कंपनी जितने भी हैं इंडिया में यू कैन गो थ्रू आप उसमें स्टडी कर सकते हैं कि उसमें शेयर होल्डर्स कितने होते हैं ठीक है और कितने परसेंटेज स्टेक होल्डर कौन कौन है लाइक like, uh, मुकेश अंबानी अगर रिलायंस इंडस्ट्री को हेड कर रहे हैं हेड तो नहीं मतलब है कि उसके चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो कैसे वो कितना परसेंटेज स्टेक है उनके पास कंपनी का तो इस तरह से आप क्यूरियस होकर आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी अदरवाइज दैट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आप थ्योरिटिकली पढ़ लेंगे एग्जाम पास होने के लिए बट थोड़ा आपको

हम कंपनी उसको बोलेंगे जो कंपनी के आधार पर इनकॉर्पोरेट हुआ या बना है ठीक है या और एनी एक्ट। और एनी एनी अदर अदर प्रीवियस प्रीवियस एक्ट होती थी, statutory company. Statutory company इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता था पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता था कंपनी के लिए लाइक एयर इंडिया दैट वॉज द स्टेचुटोरी कंपनी ठीक है अदरवाइज जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती थी 1956 के आधार पे तो इसलिए कंपनी कंपनी अंडर द कंपनीज कंपनीज एक्ट 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 2013 2013 और एनी अदर प्रीवियस के आधार पे कोई कंपनी बना है या उससे पहले किसी भी एक्ट के आधार पे बना हो उसे हम कंपनी कहेंगे ये का डिफाइन करता है कंपनी को बट इन सिंपल वर्डनीय दंपनीज एक्ट टू गेन आप दूसरा अच्छा सा डिफिनेशन है ठीक है ये वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा फॉर्म फॉर कैरिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज तो बिजनेस को चलाने के लिए ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना है अब जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है यू मस्ट नो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन कौन कौन होता है शेयर होल्डर शेयर होल्डर आपको पता है शेयर होल्डर और द ऑनर ऑफ द कंपनी जो कंपनी का ऑनर होता है वो शेयर होल्डर या इन्वेस्टर होता है ओके शेयर होल्डर के साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके अलावा जो कि मैनेज करता है मैनेजर एम्प्लॉय देस आर द एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज ठीक है एक बड़े बड़ा बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है ठीक है टू कैरिंग आउट द बिजनेस एक्टिविटी एंड हैज अ लीगल स्टेटस एक कंपनी का ना अपना एक लीगल स्टेटस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर शेयर होल्डर इसके मेंबर्स होते हैं बट इससे इंडिपेंडेंट कंपनी एग्जिस्ट करती है हमने कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी यहां एक कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ए लीगल स्टेटस इनडिपेंडेंट ऑफ इट्स में एक कंपनी लाइक रिलायंस है तो रिलायंस इंडस्ट्री का अपना एक लीगल स्टेटस है लीगल स्टेटस बोले तो ये नेचुरल पर्सन काम करता है इट कैन ऑन प्रोपर्टी रिलायंस का अपना एसेट्स होता है लाइबिलिटीज होता है ठीक है इसके नाम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं अपने एजेंट के थ्रू साइन करता है ठीक है ये लोन ले सकती है कंपनी किसी पे केस कर सकता है कंपनी पे केस हो सकता है ठीक है इन द आई ऑफ लॉ लॉ के नजर में कंपनी का एक अपना लीगल स्टेटस होता है ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर इट मींस के मेंबर इसके अलग होते हैं मेंबर का अपना एसेट्स हो सकता है बट कंपनी का अलग होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा कंपनी को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन ंग लीगल स्टेटस कॉमन सीन एंड परपीचुअल सक्सेशन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके सारे आर्टिफिशियल पर्सन है कॉमन सीन ठीक है ये चारों कैरेक्टर के आधार पर भी हम कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू कैरिंग आउटनेस एक्टिविटीज इन विच शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ अ कंपनी ओके एंड शेयर होल्डर्स अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स आर द टॉप मैनेजिंग बॉडी ऑफ अ कंपनी हुआ दंपनी हु मैनेज द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी ओके एंड द शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस दफेयर्स ऑफ अ कंपनी इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो देर आर लॉट ऑफ थिंग

तो एवरीथिंग इट हैज सेपरेट लीगल इंटिटी लाइक नेचुरल पर्सन बट इट हैव अ बॉडी एंड अ सोल दैट्स व्हाई इट इज सोल्व एन आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति कहलाता है इट एवरीथिंग इट डज एवरीथिंग लाइक अ नेचुरल पर्सन बट इट हैव अ बॉडी एंड अ सोल लाइक अ नेचुरल पर्सन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन इफ यू वांट टू टेक अ नोट लाइक व्हाट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन हाउ यू एक्सप्लेन द Artificial person, or these characteristics of a, a company, then you need to go through the NCRT book. If you class eleventh, the book it is clearly defined there. I don't want to uh, uh, waste your time here. Okay, I just want to make you understand what is artificial person. Okay, that's just just you need to know this. Uh, a, a company does everything like a natural person, like it can it owns the property it can sue others it can be sued but it doesn't have a body and soul that's why sarir or Atmani hota. that's why it is called an artificial person okay that characteristic that's enough for you to explain this separate legal entity you know that that is the separately a company has its own entity in the eye of law if anything wrong if anything goes wrong in a company then a company is sued actually कैन बी सीट इट इट मीनस के अगर कुछ होता है तो कंपनी पे केस होता है ना के इसके ऑनर पे ओके okay. फिर जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे ठीक है कोर्ट में लाया जाता है या फिक्स किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एक सेपरेट लीगल इंटिटी है ऐसा नहीं है कि जो आप अगर यहां ऑनर है हमारा शेयर होल्डर ये दोनों मिक्स है ऐसा नहीं है शेयर होल्डर की अपनी एक प्रॉपर्टी है अपना एक एसेट्स है है इसका एक अपना एक होता है लाइक रिलायंस कंपनी रिलायंस एवरी थिंग यू नो यू डोंट नो हु इज द ओनर ऑफ अ कंपनी आप सिर्फ जानते हो कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या है ना कि मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर है ठीक है बट क्योंकि ज्यादा अब होता क्या है एक चीज मैं आपको बता दू कंपनी को क्या होता है कि जब पब्लिक कंपनी हम बनाते हैं तो पब्लिक कंपनी में जो परमोटर होता है परमोटर फर्स्ट डायरेक्टर भी जो MOA बनता है कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है ठीक है इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो लोग फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम सेवन मेंबर होना चाहिए सबसे पहले तभी जाके पब्लिक कंपनी बना होता है तो मिनिमम सेवन मेंबर का जो साइन होता है एमओए में वो फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर भी इन्वेस्टर भी होता है अगर इन्होंने ज्यादा शेयर ले लिया मान के चलो एक कंपनी का थर्टी परसेंट अगर आप देखोगे तो मोर देन देसेंट शेयर मुकेश अंबानी के पास मुकेश अंबानी के पास नहीं है बल्कि मुकेश अंबानी एंड फैमिली के पास है कुछ इसके फ्रेंड्स के पास है कुछ इसके ट्रस्टेड लोगों के पास है तो इस तो मेजर स्टेक होल्डर तो मेजर मेजर शेयर जो है ज्यादातर शेयर मुकेश अंबानी के मुकेश अंबानी एंड रिलेटिव एंड फ्रेंड्स ऑल हो जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं वोटिंग के थ्रू बोर्ड में पहुंच जाते हैं बोर्ड में जब पहुंच गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो उसमें चेयरमैन या बट दे आर नॉट द सोल ऑनर ऑफ द मुकेश अंबानी मुकेश अंबानी सिर्फ इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा शेयर्स है ठीक है तो मैं यहां कह रहा था कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी इसके शेयर होल्डर से अलग या ऑनर से अलग इसका एक अपना एक सेपरेट लीगल इंटिटी होता है अगर कुछ भी होता है इन द आई ऑफ लॉ कंपनी रिकॉग्नाइज होता है जो कंपनी का नाम होता है वो आता है ठीक है फॉर्मेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का फॉर्मेशन के आधार पे कि कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है इट्स कॉम्प्लेक्स का, काफी कठिन और जटिल होता है इट्स टाइम टेकन इट्स नॉट ईजी टू फॉर्म अ कंपनी

कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं फिर कुछ सिग्नेटरी का साइन होता है देन उसके बाद सेबी का अप्रूवल होता है जब हमको इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है सर्टिफिकेट देन हम सेबी के अप्रूवल के साथ फिर शेयर मार्केट में जाते हैं फंड रेज करते हैं फंड जब रेज हो जाता है जब स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है अ लॉट ऑफ फॉर्मिलिटीज नीड टू बी कम्पलीटेड टू फॉर्म अ कंपनी ओके दैट्स वाई फॉर्मेशन इज टू कॉम्प्लेक्स इसमें आप लिख सकते हो ठीक है अगेन इसके लिए आपको एनसीआर बुक में जाना है एनसीआर में इफ यू टू ठीक है डोंट टू वेस्ट टाइम विद मी अगर मैं चाहू तो मैं आपको लिखा इसको नोट करवा बट आप खुद से पढ़ो ठीक है इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विद मी लिमिटेड लाइबिलिटी आपको यहाँ लाइबिलिटी का मतलब दायित्व होता है तो आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझना पड़ेगा इफ यू आर स्टडिंग बिजनेस देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड है लिमिटेड अब क्या होता है शेयर होल्डर एक शेयर होल्डर ने दस रुपए का शेयर खरीदा है और ये दस रुपए दे दिए कंपनी को कि ये लीजिए और अगर कंपनी लोन लेती है उसका दस रुपए से ज्यादा उसे चुकाना पड़ता है तो एक शेयर होल्डर ना सिर्फ दस ही रुपए तक उसकी लाइबिलिटी है लिमिटेड अगर यह होता कि नहीं दस रुपए से ज्यादा अगर कंपनी लॉस में जाती है कंपनी कहीं उधार उधार ले रखा है तो शेयर होल्डर के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले लिया जाएगा इन केस ऑफ ठीक है इन केस ऑफ बैंक करप्सी आप कह सकते हो या फिर इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में याद रखना पड़ेगा अभी मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह होता है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी आपने जितना इन्वेस्ट किया उतना ही तक आपकी लाइबिलिटी है ठीक है अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब होता है जब आपके बिजनेस लॉस में चले जाए बहुत सारे लोग आपके पास पैसे पाते हैं और इन केस में आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले लिया जाएगा दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी लाइक सोल प्रोपराइटरशिप सोल प्रोपराइटर क्या होता है सिंगल प्रोपराइटर होता है यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी होती है अगर आपका दुकान है शॉप है आपने लोन ले रखा है बट आपका बिजनेस लॉस में चला गया लॉस में चला गया अब आप लोन नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली जाएगी टू डिस्चार्ज द लोन लेकिन वही कंपनी में आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी तो लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में योर प्राइवेट प्रॉपर्टी विल नॉट बी टेकन टू डिस्चार्ज द डेट ठीक है बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी योर प्राइवेट प्रॉपर्टी विल बी टेकन ओके टू डिस्चार्ज द डेट टू पे द डेट यू कैन से दैट अब लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अब दो वर्ड्स आते हैं बैंक जब आप बैंक हो जाते हैं खैर ये पर्सनल के लिए होता है दूसरा इंसॉल्वेंसी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है कभी कभी इंसॉल्वेंट बोलते हैं यू आर टू पे योर डेट जब अपने उधार या दायित्व को पे करने से असमर्थ हो जाते हैं देन यू आर इंसॉल्वेंट मान के चलो हमारी कंपनी ने आर लिमिटेड है इसका कैपिटल है दस लाख लेकिन इसके पास बीस लाख का लोन हो गया अब क्या करेगा कंपनी इसी कैपिटल में से देगा अब दस लाख तो उसका चला गया क्योंकि कंपनी खुद डिफॉल्ट हो गई इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी इज नॉट पे पे एबल टू द डेट्स दैट इन केस जो क्रेडिटर है, जो है किसने उधार दिया था वो किसी शेयर होल्डर को क्लेम नहीं करेगा केस नहीं करेगा वो कंपनी पे केस करेगा कंपनी का जितना एसेट्स होगा वो बेच के दे दिया जाएगा नहीं हुआ तो वो रह गया ठीक है दैट इज द इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी आप कह सकते हो इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और द बैंक ओनली अमाउंट ऑफ कैपिटल वेल बी फोरपीटेड एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स विल नॉट बी टेकन टू पे द डेट्स दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी तो एक कंपनी का एक फीचर्स ये है कि कंपनी के केस में आपकी लाइबिलिटी जो होती है बहुत लिमिटेड होती है दैट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू इन्वेस्टेड ओके okay, आपको बस इतना याद रखना अगर लिमिटेड लाइबिलिटी बहुत समझ में नहीं आ रही यू नीड टू बी क्यूरियस एंड इन विच फॉर्म ऑफ लिमिटेड इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस अनलिमिटेड ये आपको देखना पड़ेगा ठीक है बट यहाँ आपको यही रखना पड़ेगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया दस रुपए किया तो दस रुपए तक ही उसकी लाइबिलिटी उससे ज्यादा नहीं है ठीक है देर प्राइवेट प्रॉपर्टी विल नॉट बी टेकन टू पे द डेट्स ओके नो बट दर्पिचुअल सक्सेशन ये सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है अ कंपनी ठीक है गोज फॉर हमेशा के लिए चलता है कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर People comes and goes, but a company continues to exist forever. कंपनी जो है हमेशा के लिए चलता रहता साश्वत है शाश्वत है कोई एक आदमी के जाने आने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक शेयर होल्डर शेयर होल्डर आर द ऑफ द कंपनी चाहे तो ये कंपनी छोड़ के जा सकता है छोड़ के कैसे अपना शेयर बेच लेगा दूसरे से एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है वो कहीं दूसरे को ट्रांसफर कर दे बट इसके एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड विल बी वाइंडेड अप बाय द लॉ ठीक है कानून के द्वारा बना है और कानून के द्वारा भी वाइंड अप होगा तो इसके लिए आपको फॉर्मेशन अच्छे से कि कंपनी कैसे फॉर्म करती है और वाइंड अप कैसे करती है तो आपको जानना पड़ेगा कौन कौन से लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए और वाइंड अप करने के लिए सो नो नो वन वन कैन कैन इन्फ्लुएंस द द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इवन अपने चले जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चले जाए कोई चले जाए बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ठीक है कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं डाल सकता इसको डे बाय डे जब आप कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तो फॉर फॉर दिस यू नीड टू नो ओनली पीपल कम्स इन अ कंपनी पीपल गोज बट कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर एवर लाइक इफ एनी वन लीव्स द कंपनी इट कैनोट इट इट द Existence of a company like a shareholder. If anyone, if the owner of the company, want to leave the company, they can go by selling their share, transfer there. They can transfer their share to anyone else. Okay, because here is honor is different, separate, and the management is separate. And management have certain rules and regulation. It is totally regulated by the Companies Act 2013.

तो डे बाई डे आप जानोगे नो द कॉमन सील विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके मैं आपको नोट नहीं करा रहा यू नीड पढ़ लीजिए एनसीआर ओके यू आर इन क्लास इलेवन सो यू डोंट नीड टू और रिफर एनी बुक्स ओके नाउ द कॉमन सील अब आपको पता है कि कंपनी

कॉमन सील इज अ ओके कोई भी डॉक्यूमेंट होगा एनी डॉक्यूमेंट बी वैलिड आफ्टर गेटिंग अ कॉमन सील इट के जिस भी कंपनी का कोई भी अफेयर्स होगा कोई भी डील होगा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक कि इसमें कॉमन सील ना हो कंपनी का एक मोहर होता है बट हाउ इट यूज इट्स स्टैंप अपॉइंटेड एजेंट जो कंपनी बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन होता है अब के उसके अधिकार होता है कि कौन स्टैम्प लगा सकता है तो कह सकते हो कंपनी नीड्स टू मतलब कंपनी साइन नहीं कर पाती है ना लाइक अ नेचुरल पर्सन अगर नेचुरल पर्सन कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट करे लाइक like कोई एग्रीमेंट करे तो वह नेचुरल पर्सन साइन करता है तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन देन हाउ इट विल साइन इट विल साइन बाय इट्स अपॉइंटेड एजेंट कंपनी अपने अपॉइंट किए हुए एजेंट के द्वारा साइन करता अपॉइंट किए हुए एजेंट कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीईओ उसके द्वारा साइन होता तो उसके लिए के स्टैंप चाहिए तो ये स्टैंप कौन यूज कर सकता बाय द अपॉइंटेड एजेंट तो आप यहां कह सकते हो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो इट कैन नॉट साइन बाय इटसेल्फ सो इट नी डॉक्यूमेंट बाई दस्टडी ऑफ दिसमन सीलिडिंग दील लाइक ठीक है तो इसमें आप यही याद रख सकते हो कि कॉमन सील लाइकनेचर ऑफ अ कंपनी अ कंपनी कैनोट साइन इट सेल्फ बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल पर्सन सो इट साइन it signs any documents by the appointed agents through the common seal so this is one of the characteristics of a company share capital you know that the okay the capital of a company is known as the share capital capital is the amount of money through which business is started there is one feature of a company share capital in any business we know the capital is the amount of money invested by the owner or amount of money through which business is started, that is known as capital. In a in case of company, shareholders are the owner of company or investor of a company, that's why the capital of company is known as the share capital. Okay, share, you know that the total capital of a company is divided into a small unit that is called share. Okay. You know the shareholders are the owner of a company. Who are the investor of the company? Control now the control the control of a company remains with the board of directors not with the owners owners indirectly interferes the day to day affairs, not day to day but the affairs of a company okay control remains with the board of directors not the shareholders okay so these are the some of the features of the company but i request you to go through the ncrt book

बट नाउ दिस इज द कंपनी मे बी द माय नेक्स्ट सेशन विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इसके अलावा आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो ओके okay. कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कंपनी के बारे में पहले आपको बता देना चाह कंपनी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हा कंपनी फॉर्म ओके वॉट आर द रोल्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स हल्का फुल्का तो मेमोरेंडमसिए आता है और कंपनी को मैंने थोड़ा जो कंपेयर किया जस्ट बिकॉज की कितना विशाल हो सकता है एक कम्पनी। कम्पनी को आप इमेजिन करो कि कंपनी को दे दिया जाए कंपनी जिस तरह से रिसोर्सिस को मोबिलाईज करता है मैनेज करता है फंक्शन करता है कंपनी कुछ भी कर सकती है ओके दैट्स वाई तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे टू आई एल सी यू